This is also very important to understand the key concepts which are used in test and measurement. So, we have terms of complete understanding, it would be very difficult for us to comprehend those technical concepts. Many important technical concepts necessarily came into plan when attempting to understand the proper use of psychological tests. Like if we assessment, test.

तो टॉकिंग अबाउट द रिलायबिलिटी एज अ फर्स्ट कॉन्सेप्ट रिलायबिलिटी रिफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ रिपीटल रिजल्ट्स। अब रिलायबिलिटी क्या है कि जब हम एक टेस्ट जो है उसको एक पॉपुलेशन पर कर करें हैं तो क्या अक्रॉस द टाइम स्पेंड इज गोइंग टू मैयर द सेम थिंग इन एन एक्यूरेट मैनर और नॉट क्या एक टाइम के बाद करेंगे या हम उसे अक्रॉस द पॉपुलेशन करेंगे तो उसके रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम आएंगे या नहीं आएंगे टेस्ट ऑफ़ रिलेटिवली स्टेबल फिनिना फॉर एग्जाम्पल शूड है रिलाईबलिटी अगर वो ट्रेड जिसको हम मैयर करें हैं वो एक ऐसी स्टेट है जो कि एक परमानेंट एक पोजिशन रखती है एक इंडिविजल में जैसे हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस टू है इट इज रिलेटिवली अस्टेबल मैर तो उसको हम जितनी भी दफ़ा जो भी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो इंटेलिजेंस का स्कोर मोर और लेस सेम ही आएगा अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो इंटेलेक्चुअली जो है वो लो है और उसका जो आई क्यू लेवल है वो बिलो सेवेंटी है तो आप उसके ऊपर जो भी इंटेलिजेंस के टेस्ट अप्लाई करेंगे वो रिलायबल होंगे और वो सब टेस्ट उसको एक बिलो द एवरेज इंटेलिजेंट पर्सन ही रिफ्लेक्ट करेंगे तो दिस इज़ द केस कि जहाँ पर हम लाइबिलिटी की बात करें कि रिलायबिलिटी इज़ समथिंग जिसको हम रिपीट भी करते हैं तो इट गिव्स यू द सेम रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल इफ अ टेस्ट इज डिज़ाइन टू सच एज

वैलिड uh, और उतना ही रिलायबल आपको नजर आएगा इन कम्स टू द रिलायबिलिटी वैलिडिटी वैलिडिटी इज द एक्सटेंड टू बी मई आई मीन वी आर क्लेमिंग दैट दिस टेस्ट इज़ गोइंग टू मईर इट इज एग्जैक्टली मेरिंग द सेम वन. इट इज वाइटल फॉर फॉर अ टेस्ट टू बी द वैलिड इन ऑर्डर कहते हैं कि हम एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर शेम एंड गिल्ट का कॉम्पोनेंट मैयर हैं लेकिन वो टेस्ट एक्चुअली शेम एंड गिल्ट मैर नहीं कर रहा वो बेसिकली शायद एग्जाइटी और डिप्रेशन का स्केल है तो इट मीन्स दैट दिस इज नॉट अ रिलायबल एंड वैलिड मैर एक्सक्लूसिवली इट्स नॉट अ वैलिड टू द अटन प्रॉपर्टीज सो इट शुड इट क्लेम्स टू मैर फॉर एक्जाम्पल डिजाइन टू मैर अ स्टेबल परसनैलिटी ट्रेड बट इन स्टेड मैयर ट्रांजिटरी इमोशंस जनरेटेड बाय सिचुएशनल और इन्वामेंटल कंडीशंस हम क्लेम तो ये करें कि ये जो टेस्ट है ये लेट्स से के एक परमानेंट जो है वो आपकी स्टेट को मैयर है लेट्स से हम कहते हैं कि ये आपके मूड को मैयर है लेकिन वो जो टेस्ट के जो आइटम्स हैं वो आपके टम्प्रेरी मूड को देख रहे हैं कि इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर आपको कैसा लग रहा है तो मे बी वो जो आपकी इमोशंस हैं वो जो आपका मूड है ट और वैलिड पिक्चर नहीं है आपकी परमिनेंट स्टेट ऑफ मूड की सो यू नो टू बिकम अ टेस्ट एज अ वैलिड मैयर इट शुड मयर वॉट इट क्लेम्स टू मयर हम उसको थोड़ा सा ट्विस्ट नहीं कर सकते उसकी इंस्ट्रक्शन को हम मिनिपुलेट नहीं कर सकते उसके कंस्ट्रक्ट को हम डी रेल नहीं कर सकते अ वैलिड टेस्ट इन श्योर दैट रिजल्ट आर द एक्ूरेट रिफ्लैक्शन ऑफ द डायमेंशन अंडर गोइंग असेसमेंट लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हमारा स्केल ये मैर कर रहा है वो एक स्पेसिफिक ट्रेट अग्रेशन को मैयर कराए तो इट शुड ओनली मयर अग्रेशन येट नॉट अब्यूज